हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक फोन की जो कि साथ साथ गिवअवे में भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बताते हैं आपको इस फोन के बारे में जो कि है माइक्रोमैक्स की तरफ से और इसका नाम है माइक्रोमैक्स इवोक डुअल नोट। फोन के अंदर आपको 1.5 गीगाहर्ट्ज का मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है यानी कि 6750, 5.5 इंच का FHD IPF डिस्प्ले यहां पे मिलता है, 2.5D ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल रही है यहां पे यानी कि ग्लास इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, साथ साथ 5 मेगापिक्सल का एक और कैमरा यानी कि डुअल कैमरा का मजा आप ले सकते हैं फोन में और साथ ही साथ बुके इफेक्ट के साथ रीफोकस मोड भी आपको मिल जाता है, 4GB की रैम मिल जाती है, 32GB की स्टोरेज मिल जाती है, SD कार्ड सपोर्टेड है 64GB तक, एंड्रॉइड नॉगेट मिलेगा यहाँ पे, बैटरी है 3000 mAh की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ और फिर बताएंगे आपको इसके की फीचर्स, साथ ही साथ कुछ प्रोज और साथ साथ कॉन्स भी। अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही ली है, बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स इवोक डुअल नोट की। पीछे की तरफ बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है, मेटल बैक मिलती है आपको, ऊपर की तरफ प्लास्टिक, नीचे की तरफ प्लास्टिक जो कि एंटीना सिग्नल के लिए जरूरी है, साथ ही साथ डुअल कैमरा मिलते हैं, यहाँ पे मिलता है हेडफोन जैक, USB-C पोर्ट भी मिल जाता है, इसका मतलब आप फास्ट डेटा सिंकिंग जो है इसमें कर पाएंगे, हालांकि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे फिलहाल नहीं है। 5.5 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है जो कि अगेन IPS LCD डिस्प्ले है, तो विंग एंगल्स यहाँ पे बढ़िया है, कलर प्रोडक्शन भी ठीक है और कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, जबकि ये एक बजट रेंज डिवाइस है जहां तक बात करें हम डिस्प्ले की। और चीजों की बात करें तो यहाँ पे कस्टम UI मिलता है, एंड्रॉइड नॉगट के साथ ये UI आता है, एंड्रॉइड 7.0 आपको इस फोन में मिल जाएगा और 4GB की रैम भी मिलती है जिससे आपको एक स्मूथ मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस जो है मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो 32GB की स्टोरेज है, उसमें तकरीबन 24GB आपको फ्री मिलता है। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे पीछे की तरफ 13+5 डुअल कैमरा जो है आपको मिल जाते हैं, 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल की मदद से आप बुके मोड में अच्छी फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल्स हम आपको दिखा देते हैं, जिस तरह का बुके मोड आपको मिल जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की फोटो के अंदर कैप्टन अमेरिका प्रॉपर फोकस में है जबकि पीछे वाली एक्शन फिगर जो कि सुपरमैन है वो ब्लर मोड में है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की फोटोज आप कैप्चर कर सकते हैं और रीफोकस मोड होने की वजह से आप बाद में चाहें तो सुपरमैन को भी फोकस में ला सकते हैं और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को ब्लर कर सकते हैं, तो ऐसे में रीफोकस की मदद से आप बाद में फोकस को चेंज कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं क्या सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, तो ये इजी कर देता है आपकी फोटो को उस तरह से दिखाने के लिए जिस तरह से आप उसे देखना चाहते हैं। बात करें अगर सेल्फी कैमरा की तो सेल्फी कैमरा भी यहाँ पे अच्छा दिया गया है, यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा से कुछ इस तरह की क्लैरिटी की सेल्फी आप कैप्चर कर सकते हैं और डे लाइट में अच्छी क्लैरिटी वाली सेल्फी यहाँ पे कैप्चर हुई है, कलर्स भी ठीक आए हैं, डिटेल्स भी ठीक आई हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्फी में। अगर हम बात करें लो लाइट की या फिर आर्टिफिशियल लाइट की तो आर्टिफिशियल लाइट में भी क्लियर क्लैरिटी वाली सेल्फी आपको इस फोन में मिल जाती है और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है और अगर लाइट है प्रॉपर तो आप और अच्छी क्लैरिटी वाली सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं। तो कैमरा के हिसाब से मैं दूंगा थम्स अप इस फोन को क्योंकि रियर कैमरा से आप अच्छी फोटोज कैप्चर कर सकते हैं बुके मोड में और साथ ही साथ रीफोकस को यूज करके आप फोकस चेंज कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से अच्छी क्लैरिटी की सेल्फी आप कैप्चर कर सकते हैं, हालांकि लो लाइट में चाहे वो रियर कैमरा हो या फिर फ्रंट कैमरा हो
थोड़ी नॉइज आपको देखने को मिलेगी। गेमिंग की बात करें तो एसफेल्ट 8 जैसा गेम इस फोन पे स्मूथली चल गया है। हालांकि अगर आप 15 से 20 मिनट से ज्यादा गेमिंग करते हैं और आधा घंटे तक गेमिंग करते रहते हैं तो थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि वो जायज है और बाकी और फोन में भी होता है। बजट डिवाइस के हिसाब से एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कि एक तरह का इनसाइट है इस फोन के बारे में। यहाँ पे प्रोसेसर फोन का अच्छा है। हालांकि 15 से 20 मिनट की गेमिंग करने पर थोड़ी हीटिंग जो है महसूस हुई पीछे की तरफ। हालांकि उस हीटिंग के अंदर जो बैटरी ड्रॉप हुआ उस ड्रॉप को कंट्रोल करने में प्रोसेसर का काफी अच्छा रोल रहा और उस केस में हीटिंग तो महसूस हुई लेकिन बैटरी ड्रॉप उतना देखने को नहीं मिला और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रोसेसर ने उस चीज को सही से संभाला। आप अच्छी गेमिंग के साथ इस फोन को यूज कर सकते हैं और ये सब कुछ हो पा रहा है इसके प्रोसेसर की वजह से। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको 4GB की रैम भी मिल जाती है, यानी कि प्रोसेसर के साथ सही अमाउंट ऑफ रैम होना जरूरी है और उस केस में आपको मल्टीटास्किंग में दिक्कत नहीं आती है। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं इस डिवाइस की रिव्यू को और बताते हैं आपको कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज यहाँ पे है इसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, पीछे की तरफ आपको मेटल बैक मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्ले भी अच्छी क्लैरिटी वाला बढ़िया डिस्प्ले आपको मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ कॉन्स की तो ये डिवाइस डेफिनेटली हैवी गेमर्स के लिए नहीं है, लेकिन डे टू डे यूसेज में अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं तो आप आराम से इस फोन पे गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पावर यूजर हैं तो आपको थोड़ा ग्राफिक लैग मिल सकता है बहुत ज्यादा देर तक गेमिंग करने पे, यानी कि आधा घंटे से ज्यादा गेमिंग करने पर आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज नॉर्मल यूजर के लिए, मॉडरेट गेमिंग के लिए इस डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कुछ इसी तरह से है माइक्रोमैक्स इवोक डुअल नोट। अगर आपको डिवाइस अच्छा लगता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इस डिवाइस गिव अवे में हम आपको दे ही रहे हैं, तो आपको ये डिवाइस मिल जाएगा और उसके लिए करना है आपको एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।